झारखंड में 3 जुलाई को जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ मैथ का प्रश्न पूछे गए थे। मैं एक वीडियो में एक ही प्रश्न को डिस्कस कर रहा हूँ, एक प्रश्न को डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। मैं दूसरा नंबर प्रश्न को इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। और एक चीज, सबसे पहले अगर मैथ आप सीखना चाहते हैं, मैथ में अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास कीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तब किसी भी तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न अगर दिया हुआ रहेगा तो आप बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ ट्रिक के पीछे भागेंगे तो फिर प्रश्न नहीं बनेगा। तो प्रश्न को समझिए। सबसे पहले, 3 व्यक्ति ए बी सी जिनका वेतन मिलाकर 144,000 है, अपने वेतन का क्रमश 75%, 85%, 95% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में है तो सी का वेतन है। ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा। एक बार आपको समझना है इसका प्रोसेस क्या है, और इस तरह का प्रश्न आपको अनुपात और समानुपात चैप्टर में आरएस अग्रवाल का किताब में मिल जाएगा। थोड़ा सा डाटा का अंतर है, लेकिन सेम टू सेम यही प्रश्न है। चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, पहले प्रतिशत में जो खर्च किया है वो दिया हुआ है, कितना है 75, 85, 95। तो मैं लिख लेता हूं, ए कितना खर्च किया है, ए खर्च किया है 75%, उसका जो वेतन है उसमें से 75% खर्च कर देता है। और बी कितना खर्च करता है, 85%, तो आप यहां पर लिख लीजिए 85%। आराम से पढ़िए, जब तक आप आराम से नहीं सीखेंगे तब तक मैथ का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं हो पाएगा, और प्रत्येक बार आप प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न को छोड़ेंगे। अगर आप जानते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सीखने का प्रयास कीजिए। सी कितना खर्च करता है, 95% सी खर्च कर देता है। अब बचत कितना किया है ये समझना है, जब खर्च इतना कर दिया तो बचत कितना हुआ, 75% खर्च कर दिया है तो कितना बचाया, 25% बचा लिया टोटल। यानी कि वेतन की बात करें तो टोटल क्या होगा, टोटल 100% होगा। 100% में अगर कोई 75% खर्च करता है तो 25% बचेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एक बार अच्छा से सीखिए समझिए, फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। और दिक्कत है मैथ में तो मुझे बताइए, मैथ का समस्या दूर हो सकता है। 85% खर्च कर चुका है बी, तो बचाया कितना 15%। सी 95% खर्च कर दिया है तो बचाया कितना 5%। और बचत अनुपात में दिया हुआ है, उसको आप मान लीजिए, उसके साथ आप एक्स मान के चलिए, ठीक है। तो बचत कितना है अनुपात में, 8:9:20, यानी कि ए कितना बचाया है 8x, बी कितना बचाया है 9x, और सी कितना बचाया है तो 20x, इस तरीके से मानिए। इसके बाद ए बी सी तीनों का अलग अलग आप वेतन मान लीजिए, तो आप कैसे मानेंगे, ए का वेतन कितना मानेंगे, बी का कितना मानेंगे, सी का कितना मानेंगे, एक्स वाई जेड मतलब मानना है। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आप मान लीजिए अपने माइंड में ए का वेतन ए है, बी का वेतन बी है, और सी का वेतन सी है। तब अब यहां पर क्या करेंगे, तो ए कितना बचाया है, क्योंकि यहाँ पर ये बचत है, ये बचत है, तो ये दोनों के सहारा से आप वेतन निकाल सकते हैं। तो ए का वेतन ए है, तो ए का कितना बचत किया है, ए का 25% बचत किया है, समझिएगा। तो बचत बराबर यहाँ पर देखिए कितना है 8x। अब यहाँ से ए का वेतन मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, सबसे पहले काटिए 25 से कम 25, 25 चौके 100, और इसको गुना करेंगे तो 8 चौके 32 होता है ना, 8 का 8, 8 16, 8 24, 8 चौके 32, ठीक है। अब बी का अगर निकालेंगे, बी का वेतन बी है तो कितना बचत किया है, 15% बचत किया है, तो कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से बी का 15% बराबर कितना होगा 9x। अब यहां से बी का वेतन निकल जाएगा, तो यहां पर मैं जगह नहीं है तो इधर मैं ए लिख देता हूं, ए का वेतन कितना है। अब यहां पर इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 5 से 5 तिया 15 और 5 20 25 100 होता है, और 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 9, और इसको गुणा करेंगे तो 20 तिया 60 होता है, तो मैंने यहां पर 60 लिख दिया। ये किसका वेतन है, बी का वेतन है, ठीक है। अब सी का निकालेंगे, तो सी का वेतन सी मान लेते हैं, तो सी का
सी का 5% बचाया है तो आप इस तरीके से लिखेंगे और इक्वल टू 20 लिखेंगे, 20x लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर काटते हैं 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 20 25 100 ना। ठीक है, और इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 20x। ठीक है, ये सी का वेतन है। यहां पर समझिएगा ए का वेतन ये है, बी का वेतन इतना है, सी का वेतन इतना है और तीनों मिलाकर वेतन दिया हुआ है 1,44,000। अगर ये तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 1,44,000 के बराबर। तो यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो जोड़ लीजिए, ये 400 है और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 6 3 9 यानी कि 492 होगा। तो 492x ये तीनों का वेतन है ना, और तीनों का वेतन दिया हुआ है 1,44,000, यही दिया हुआ है ना। तो यहां से x का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1,44,000 बटे में कितना होगा 492। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 292 और पॉइंट में कुछ आएगा, मैं पॉइंट में नहीं ले रहा हूं, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो इसको कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है। तो अब यहां पर x का वैल्यू इतना आ गया और C का वेतन निकालना है। अगर आप इसको यहाँ पर रख देंगे तो C का वेतन निकल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर आप रखते हैं, एक बार कैलकुलेट कर ही लेता हूँ, C का वेतन कितना हो जाएगा तो 400 × 292। पॉइंट में कुछ और था लेकिन पॉइंट के बाद मैंने नहीं लिया, तो क्या करेंगे गुना कर लेते हैं, 4 × 8। ठीक है, इसके बाद 4 × 9 = 36 हाथ में 3, 4 × 8 = 8 3 11। तो 8 3 11 और 2 0 बैठा देंगे, देखिए कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1,16,000 सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1,16,800 रुपया। तो इतना इसका राइट आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर मैच नहीं किया ना, आंसर नहीं मैच किया। हो सकता है इसमें डाटा कुछ अलग दिया हो, चेंज कर दिया हो, लिखने में मिस्टेक हो गया हो, जब क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो कुछ अलग हो गया होगा या आंसर को गलत लिख दिए, जिसके चलते आंसर मैच नहीं किया। मैं इसको बहुत बार बना के चेक करके देख चुका हूँ तो इसका आंसर मैच नहीं किया, इसका राइट आंसर ये होगा। लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि पॉइंट में मैंने यहाँ पर पॉइंट में कुछ आ रहा था उसको नहीं लिया। तो अगर पॉइंट में अगर एक्यूरेट लेंगे तो ये भी डाटा थोड़ा सा अलग होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको प्रूफ के साथ अगर देखना है कि आंसर इसका कितना होगा, क्या इसी प्रोसेस से बनेगा, तो आरएस अग्रवाल के किताब में अनुपात और समानुपात चैप्टर में ये प्रश्न है, सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा आपको डेटा अंतर मिलेगा तो उसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसी प्रोसेस से। तो अगर गलत था तो सभी के लिए गलत था, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न को आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप इंतजार कीजिए, तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। एक वीडियो में एक ही प्रश्न को मैं डिस्कस करूंगा और आराम से पढ़िए अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं कि सबसे पहले सीखने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न को बहुत लोग सॉल्व नहीं किए होंगे, ये मेरा गारंटी है। और आगे भी प्रश्न है जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप देखना चाहते हैं आप इंतजार कीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा।